हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गाटा 2021 के बारे में। आज हम इस वीडियो में GATA यानी कि गाटा 2021 के बारे में हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, लाइक उसका एप्लीकेशन किस तरह से फिल कर सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ गाटा 2021 का सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, हर एक चीज़ फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर गाटा 2021 का कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, कोई भी न्यूज़ आती है उसके रिगार्डिंग, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं गाटा 2021 के बारे में और डिटेल में जानना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउजर पे जो है google.com ओपन कर लेना होगा, और google.com ओपन करते ही आपको वहाँ पे जो है सर्च करना है गाटा 2021 और आगे लिखना होगा cet.co.in। अब आप लोगों का गाटा 2021 के आगे cet.co.in लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी गाइस, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आप सिंपली एक क्लिक से गाटा 2021 के रिगार्डिंग हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। उसी के साथ ये जो वेबसाइट है ये गाटा 2021 के ऑफिशियल वेबसाइट के साथ भी डेली बेसिस पे अपडेट होती रहती है, तो आपको सिंपली इसे जो है गूगल में सर्च कर लेना होगा। जैसे ही आप इसे गूगल में सर्च करते हो, जो सबसे पहला रिजल्ट आपको गूगल में दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके आपको उसे ओपन कर देना है। जैसे आप उसे ओपन करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको गाटा 2021 की फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है जानने मिल जाएगी। सो गाइस, अब जो है हम गाटा 2021 के बारे में हर एक चीज़ जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे गाटा का जो है फुल फॉर्म डिस्कस करेंगे। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्योंका एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर एडमिशन जो है इसका गाटा का फुल फॉर्म, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में गाटा कहते हैं, ग्योंका एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर एडमिशन। उसी के साथ ये जो अथॉरिटी के द्वारा ये गाटा का जो एग्जाम है एडमिशन के लिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट है कंडक्ट किया जाता है उन स्टूडेंट और उन एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए जिन्हें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में जो है वेरियस कोर्सेज में एडमिशन चाहिए विद इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्योंका। सो गाइस, आपको अगर जो है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन चाहिए जो कि ग्योंका यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है ऑफर किया जाता है, तो उसके लिए आपको जो है गाटा 2021 का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसे क्लियर करना होगा, उसको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आप लोगों का जो पर्सनल इंटरव्यू राउंड रखा जाएगा, फिर आपको जो है सीट अलॉट की जाएगी। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी लिस्ट बता दी कि कौन से कोर्सेज आपको इस यूनिवर्सिटी में ऑफर कराए जाते हैं, लाइक आर्किटेक्चर कोर्सेज हो गया, कम्युनिकेशन कोर्सेज, इंजीनियरिंग, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस और लॉ, ये सारे कोर्सेज आपको जो है इस यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे हाईलाइट के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाटा का यहाँ पे हम हाईलाइट जो फुल फॉर्म में नॉलेज ऊपर डिस्कस किया था, ग्योंका एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर एडमिशन, टाइप ऑफ एग्जाम जो यूजी और पीजी लेवल है, लेवल ऑफ एग्जाम जो यूनिवर्सिटी लेवल है, मीन्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, कोर्सेज यहाँ पे मैनेजमेंट के ऑफर किए जाते हैं, इसकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी ग्योंका यूनिवर्सिटी खुद ही इसकी ऑफिशियल जो है ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है। बात करेंगे अभी मोड ऑफ एप्लीकेशन, तो मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड दोनों ही मोड में रिलीज होता है, आप जिस भी मोड में एप्लीकेबल जिस भी मोड में आप प्रीफर करते हैं उस मोड में आप जो है भर सकते हैं। एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा, पेन पेपर बेस आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा एग्जाम सेंटर में बुला के, टोटल आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, 3 घंटे में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा, और लास्टली आपको यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट की जो आपको यहाँ पे लिंक दे दी गई है। अब नेक्स्ट बात करेंगे क्विक लिंक्स के। सो अगर यहाँ पे जितनी भी क्विक लिंक्स दिखाई दे रही है आपको ये सारी के सारी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप सिंपली वहाँ से अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके सामने दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में फुल डिटेल में आसानी से जान सकते हैं। अब एग्जाम डेट की बात की तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है अगस्त में रिलीज हो जाता है, उसी के साथ जो इसका एग्जाम है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप फरवरी में कंडक्ट किया जाता है, रजिस्ट्रेशन क्लोज अक्टूबर में किया जाता है, तो आप यहाँ पे अपने कोर्स के हिसाब से जो है आप जो है फुल डिटेल में हर एक इवेंट की डेट यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। सो गाइस, गाटा 2021 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड डायरेक्टली भर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भरते जाए जो सबसे बड़ा इश्यू स्टूडेंट फेस करते हैं वो ये है कि कई सारे लोगों कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि किस साइज में और किस फॉर्मेट में जो डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर को स्कैन करके एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करना है, तो किसी भी साथ किसी भी फॉर्मेट में जो एप्लीकेशन को जो अपलोड कर देते हैं, एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं, जिस वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है, एक्सेप्ट नहीं हो पाता है।
सो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा नहीं, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे भी दबा के रखना है, ताकि जैसे ही गाटा 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे, आपको नोटिफाई कर देंगे कि जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है, और साथ ही साथ हम उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, उसमें बताएंगे किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर से कितनी साइज में कौन से फॉर्मेट में अपलोड करना है। हर एक चीज़ आपको जो है उस वीडियो में फुल डिटेल में जो है बता दी जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। सो गाइस मेक श्योर कीजिएगा अपने चैनल को सब्सक्राइब किया और साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा के रखा हो, ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म बनने में कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत ना हो। अब बात करेंगे हम यहाँ पे एप्लीकेशन फी के बारे में। सो गाइस एप्लीकेशन फी आप डायरेक्टली चाहे तो ऑफलाइन मोड में भी भर सकते हैं, डायरेक्टली डिमांड ड्राफ्ट क्रिएट करके, ताकि यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दे दी गई कि कौन से एड्रेस पे आपको जो है अपना डिमांड ड्राफ्ट भेजना है, किसके फेवर में क्रिएट करना, हर एक चीज़ आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सो गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है गाटा का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो है सेटिस्फाई करना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना होगा। अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करते तो आप जो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, आप इस एग्जाम के लिए जो अप्लाई नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से सिंपली एक क्लिक से आप जो फुल डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे भी जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग आप लोगों को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया गया है, अपीयरिंग कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया गया है, तो आप फुल डिटेल में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हैं। अब आप बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की। सो गाइस आप एग्जाम पैटर्न यहाँ पे देख सकते हैं, आपको टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे पेपर कंप्लीट करने के लिए, जो क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के टोटल जो है 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा आपको सिंपली उस पर टिक करना होगा, और उसी के बाद यहाँ पे आपको सेक्शन बताते हैं, 5 सेक्शन में टोटल आपका पेपर जो है जो 5 सेक्शन आपको यहाँ पे जो प्रोवाइड करा दिए, लाइक आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज, इंग्लिश नॉलेज, मैथमेटिक्स, और उसी के साथ लास्ट जो है एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो ये 5 टॉपिक्स को कुल मिला के आपको जो है पेपर में पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट सिलेबस की बात की जाए गाइस, तो यहाँ पे आप लोगों को जो सिलेबस के टॉपिक्स बता दिए, जो जो 5 सब्जेक्ट्स जो 5 जो सेक्शन थे ऊपर जो थे वही यहाँ पे भी आपको बता दिए गए। साथ ही साथ अगर आपको चाहिए फुल डिटेल सिलेबस आपको चाहिए तो आप ऑफिशियल अथॉरिटी से डायरेक्टली वहाँ पे जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर फुल डिटेल सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम एडमिट कार्ड के बारे में। सो गाइस एडमिट कार्ड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है गाटा 2021 का, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड आप लोगों को जो एग्जाम देना तो दूर की बात है, आप लोगों को एग्जाम सेंटर के अंदर भी नहीं लिया जाएगा। सो गाइस इसीलिए आपको जो अपना एडमिट कार्ड अच्छी तरह से जो है संभाल के डाउनलोड करना है, उसके 3 से 4 प्रिंटआउट अपने पास जो अच्छी तरह से रखने होंगे। उसी के साथ एक और जो सबसे बड़ा इश्यू स्टूडेंट फेस करते हैं एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, वो ये है कि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाता कब गाटा 2021 का एडमिट कार्ड रिलीज हुआ, कब उसकी डाउनलोडिंग डेट जो एंड हो गई। सो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा नहीं, आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा के रखना होगा, ताकि जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज होगा डिक्लेयर होगा अवेलेबल हो जाएगा डाउनलोडिंग के लिए, हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे, ताकि आप आसानी से अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बता दें कि कौन से डिटेल्स एडमिट कार्ड पे प्रेजेंट रहते हैं, लाइक आपका नाम रहेगा, आपका रोल नंबर, एड्रेस, फोन नंबर, आपका फोटोग्राफ सिग्नेचर, एग्जाम एड्रेस, कोर्स का नाम रहेगा, एग्जाम डेट, टाइमिंग और यूनिवर्सिटी का नाम एडमिट कार्ड पे दिया हुआ रहता है। अब रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट के लिए भी सेम चीज़ फॉलो होती है गाइस, रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं आपको जो है तुरंत अपडेट कर देंगे, नोटिफाई कर देंगे कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जिस पे एक क्लिक के थ्रू आप आसानी से अपना रिजल्ट जो है फुल डिटेल में चेक कर पाएंगे। सो गाइस आई होप कि अभी आप लोगों को जो है गाटा 2021 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट कोई भी इशू नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है, कोई और डिटेल्स आपको जानने तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है नॉलेज मिली हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।